दोस्तों, जिस तरह से हम सभी को मालूम था कि आने वाले 1 दिसंबर को हर ऑपरेटर की तरफ से, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन की तरफ से कुछ नए प्लान के अपडेट आने वाले थे, तो दोस्तों इन सारे ऑपरेटर की तरफ से कुछ अपडेट आ चुका है। कुल मिला के 12 अपडेट आ चुका है। इन 12 अपडेट में से कुछ इस तरह के पैक उन्होंने रखा है, कुछ कॉम्बो पैक निकाल कर लाए उन्होंने, 2 कॉम्बो पैक, 4 जो आपको 28 डेज वाले वैलिडिटी पैक, 3 84 डेज वाले वैलिडिटी पैक, 2 365 डेज वाले वैलिडिटी पैक, और 1 जो आपका 2 डेज वाली वैलिडिटी पैक। तो दोस्तों इन सारे वैलिडिटी पैक के डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से प्लान में आपके क्या बेनिफिट मिलने वाली है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन सारे दोस्तों को भी मालूम हो जाए कि जो नया प्लान अपडेट आया हुआ है, उन सारे अपडेट के बारे में। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है, तो अपने तरफ से एक लाइक दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और आने वाले नेक्स्ट अपडेट के ऊपर के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तक जियो की तरफ से कुछ अपडेट आए नहीं है। जियो की तरफ से जो नेक्स्ट अपडेट आने वाले हैं, वो आपको 6 दिसंबर से जियो की तरफ से अपडेट आने वाले हैं। तो दोस्तों एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन का जो कुल मिला के 12 अपडेट आ चुका है, इन 12 अपडेट के बारे में फुल डिटेल्स हम आपको बताता हूँ। तो डिटेल्स जो दोस्तों शुरू से लेकर वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे जो पहले जो उन्होंने दोस्तों जो अब प्लान अपडेट किया, उन्होंने से जो कॉम्बो पैक, जो 2 कॉम्बो पैक लॉन्च किया दोस्तों, जो 2 कॉम्बो पैक है, पहला जो कॉम्बो पैक है 49 रुपीज़ वाला। जी दोस्तों, ये कॉम्बो पैक थे पहले 35 का, अभी हो गया 49 के, जिसका बेनिफिट हमको मिलेगा दोस्तों 38 रुपीज़ का टॉक टाइम, 100 MB डेटा, 2.5 पैसे पर सेकंड के हिसाब से, 28 दिन के वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा जो दूसरा कॉम्बो पैक आता है दोस्तों, वो है 79 रुपीज़ का। जी दोस्तों, ये वाला पैक इससे पहले हमें देना पड़ता था 65 रुपीज़ में, लेकिन अभी हमको देना पड़ेगा ये 79 रुपीज़ में, यानी 42% एक्स्ट्रा हम सभी को, जितना भी सारे ऑपरेटर के, सारे ऑपरेटर को 42% एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेंगे। 79 रुपीज़ में भी दोस्तों बेनिफिट क्या है कि इसमें से आपको जो है 64 रुपीज़ का टॉक टाइम मिलेंगे, आपको 64 रुपीज़ का टॉक टाइम मिल जाता है, साथ में दोस्तों 200 MB डेटा, 1 पैसे पर सेकंड, 28 दिन के वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा आ जाते हैं हम दोस्तों जो कुल 4 28 दिन वाले वैलिडिटी पैक है, वो सबसे पहला जाता है 149 रुपीज़। इसमें से आपको वोडाफोन टू आइडिया आपको मिलेंगे अनलिमिटेड कॉल चार्जेस, और इसके अलावा अदर्स ऑपरेटर के लिए यानी ऑफ नेट नेटवर्क के लिए आपको 1000 मिनट कॉल चार्जेस दिया जाएगा, 2 GB डेटा, 300 SMS, 28 दिन के वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो प्लान आते हैं दोस्तों, वो है 249 रुपीज़ का, जिसपे से भी आपको मिलेगा अनलिमिटेड वोडा टू आइडिया के कॉल चार्जेस, 1000 मिनट ऑफ नेट, 1.5 GB पर डेटा, 100 SMS पर डे, 28 दिन के वैलिडिटी के साथ दोस्तों। इसके अलावा जो तीसरा आ रहा है दोस्तों, वो है 299 रुपीज़ वाला प्लान। जो 299 रुपीज़ वाला प्लान जो है दोस्तों, उसमें अनलिमिटेड वोडा टू आइडिया कॉल चार्जेस फ्री होंगे, 1000 मिनट ऑफ नेट होंगे, 2 GB डेटा रोजाना, 100 SMS रोजाना, 28 दिन के वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो आ रहे हैं, वो 399 रुपीज़ वाला प्लान, जिसमें से आपको अनलिमिटेड वोडाफोन टू आइडिया कॉल चार्जेस मिलेंगे, 1000 मिनट जो है आपको ऑफ नेट पर मिलेंगे, रोजाना 3 GB डेटा, 100 SMS रोजाना, 28 दिन के वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा दोस्तों जो लॉन्ग वैलिडिटी पैक है, वो 365 डेज वाला यानी 84 डेज वाला जो पैक है दोस्तों, वो है 379 रुपया का, यानी 379 रुपीज़, जिसमें से आपको अनलिमिटेड वोडाफोन टू आइडिया कॉल चार्जेस होंगे, 3000 ऑफ नेट मिनट होंगे, और आपको 6 GB डेटा, 1000 SMS 84 डेज के लिए, यानी पूरे 84 दिन में आपको ओनली 6 GB डेटा मिलेंगे, वो आपको 379 रुपये में। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लान है दोस्तों, वो है 599 यानी 599 रुपये वाला प्लान, जिसमें से अनलिमिटेड वोडाफोन टू वोडाफोन आइडिया कॉल चार्जेस होंगे, 3000 मिनट ऑफ नेट होंगे, 1.5 GB डेटा रोजाना, 100 SMS 84 डेज वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्लान के ऊपर, जो है 699 यानी 699 वाला प्लान, इसमें से भी आपको अनलिमिटेड वॉइस मिलेंगे वोडाफोन टू आइडिया अदर्स नेटवर्क के मिलेंगे, 3000 मिनट रोजाना, 2 GB डेटा के साथ, 100 SMS रोजाना, 84 डेज वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा दोस्तों वोडाफोन की तरफ से 2 365 डेज वाला पैक लॉन्च किया हुआ है, जो है 1499 रुपये वाला पैक, जिसमें से आपको मिलेंगे अनलिमिटेड वोडाफोन टू आइडिया कॉल चार्जेस, और ऑफ नेट पे मिलेंगे 12000 मिनट ऑफ नेट कॉल मिलेंगे, 24 GB डेटा यानी 24 GB डेटा, 3600 SMS 365 दिन के लिए, यानी 365 दिन के लिए दोस्तों आपको सिर्फ 24 GB डेटा और 3600 SMS मिलेंगे। नेक्स्ट प्लान के अपडेट के ऊपर आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्लान अपडेट है 2399 रुपये के। जी दोस्तों, 2399 वाले प्लान पे आपको मिलेंगे सेम टू वोडाफोन टू आइडिया अनलिमिटेड कॉल चार्जेस, इसके अलावा ऑफ नेट पर मिलेंगे आपको दूसरे नेटवर्क के लिए पूरे 12000 मिनट रोजाना 1.5 GB डेटा के साथ, रोजाना 100 SMS 365 दिन के वैलिडिटी के लिए।
इसके अलावा दोस्तों उन्होंने जो एक और छोटा सा ऐसे लॉन्च किया है वह 19 रुपया वाला, जिसके से जिसमें से दोस्तों आपको मिल जाएंगे वोडाफोन टू आइडिया ऑफ ऑनलाइन अनलिमिटेड कॉल, 150 MB डेटा, 100 SMS, 2 डेज वैलिडिटी के साथ। इसी तरह के दोस्तों सेम आपको एयरटेल की तरफ से कुछ सेम अपडेट आया हुआ है, जिसमें से एयरटेल भी कुछ 19-20 का फर्क होता है, यानी जहाँ पे आपको वोडाफोन ने लॉन्च किया हुआ है 49 रुपीज़ का प्लान ही उन्होंने, एयरटेल ने भी लॉन्च किया 48 रुपीज़ का प्लान, 48 रुपये सॉरी दोस्तों 49 रुपीज़ का प्लान। उसके अलावा वोडाफोन ने 79, एयरटेल का 7 है, लेकिन वोडाफोन ने यहाँ पे लॉन्च किया 149 का, यहाँ पे एयरटेल दे रहा 148, अनलिमिटेड कॉलिंग चार्जेस, 300 SMS, 2 GB डेटा। और इसके अलावा तो सेम इसी तरह के प्राइसेस है, कुछ 19-20 का फर्क आता है प्राइसेस में। तो कुछ इसी तरह का जो अपडेट निकल कर आए थे दोस्तों, जो इस अपडेट के दौरान यहाँ पे मालूम होते कि 42% एक्स्ट्रा जो है हम सभी को जो चार्जेस एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेंगे। तो इन सारे चार्जेस एक्स्ट्रा दे तो आप जो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, इन सारे जहाँ तक कि 20% एक्स्ट्रा लेने वाले थे आप जाके उन्होंने 42% एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं, कि ये टेलीकॉम कहाँ से कहाँ पहुँचा। आने वाले 6 तारीख को जो है जियो को तरफ से अपडेट होने वाला है, जहाँ तक ये अपडेट है कि जियो जो है अपने 40% एक्स्ट्रा चार्जेस जियो वाले को देना पड़ेंगे। और इन सारे प्लान जो दोस्तों एयरटेल आइडिया वोडाफोन का जो प्लान अपडेट आया हुआ है, इन सारे अपडेट का प्लान का जो अपडेट आने वाले 3 दिसंबर यानी 3 दिसंबर को इन सारे प्लान एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जितने भी सारे पुराने पैक है सारे पैक को डीएक्टिव करवा के नया पैक को एक्टिवेट करवा दिया जाए। तो दोस्तों हम अभी तक आपको यही बताऊंगा कि अभी तक आपके पास एक दिन या तो 6 घंटे या तो 8 घंटे टाइम है। इस टाइमिंग के अंदर अगर आप जहाँ तक सके मेरे तरफ से तो 1699 यानी 1699 वाला पैक अगर आप रिचार्ज कर लेते तो उसमें अभी भी आपको वैलिडिटी पैक मिल जाएंगे, ये 365 दिन के लिए, रोजाना 1.4 GB डेटा, 100 SMS के साथ। तो दोस्तों इस तरह के कुछ अपडेट निकल के आए थे एयरटेल आइडिया वोडाफोन की तरफ से। आने वाला जो अपडेट निकल के आएंगे जियो का अगले आने वाले 6 दिसंबर को। तो बने रहे हमारे MDM टेक चैनल के साथ हर अपडेट पाने के लिए, और साथ में आप सभी को लेटेस्ट अर्निंग वीडियो के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन सभी को भी इन पूरे प्लान के बारे में मालूम हो जाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप सभी के साथ नेक्स्ट और दूसरे अपडेट के लिए।